सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि ऑगी ने कहा है। हाँ जी दोस्तों, क्या चल करता हूँ, सच हूँ आपका दोस्त योगी फिर से आ चुका है नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आजकल मैं हूँ दिल्ली पे और दिल्ली पे जो है स्ट्रीट फूड जो है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ डोसा वाले भैया के पास। तो आप आज के वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा डोसा, और डोसा में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है वो चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो को जो आप लोगों ने लास्ट तक देखना, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई मिल चुके हैं और कुछ डोसा ले जा रहे हैं। भैया कौन सा डोसा पैक कराया आपने? मसाला डोसा। कितने टाइम से खा रहे हैं यहाँ पे? 2 to 3 years हो चुके हैं। क्या बात, अभी पैक करा के ले जा रहे हैं, बहुत जल्दीबाजी में लग रहे हैं आप। ट्यूशन जाना है। ट्यूशन जाना है, चलो ठीक है। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। भैया जी अपना नाम बता दीजिए पहले तो। योगी, योगेंद्र जोगी इनका नाम है। और बता रहे हैं, और यहाँ पे आप डोसे का स्टॉल लगाते हैं, कितनी वैरायटीज के डोसे हैं आपके पास? पनीर डोसा है, ओनियन डोसा है, बटर मसाला। तो हमारे लिए भी मसाला डोसा बना दीजिए फटाफट से। और क्या क्या चीजें ऐड होंगी उसमें वो भी बताना प्लीज। अभी बता। ये क्या आ गया भैया? ये डोसा है चावल का। ये चावल का बैटर आ गया। कितने टाइम से लगा रहे हैं भैया शॉप? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल से यहीं पे लगा रहे हैं। तो सबसे मजेदार की बात है, देखो इनका नाम भी योगी है। दोनों योगी और से योगी हो रहा है। भैया टाइमिंग क्या रहती है वैसे स्टॉल की? 2 बजे से 10 बजे तक। 2 से 10। अगर किसी को खाना हो तो यहाँ पे कहाँ पे आना पड़ेगा हमें? लोकेशन बता दीजिए। अच्छा, देखिए एक साइड से भैया बना रहे हैं और एक साइड से भैया जो है पैक कर रहे हैं। और इडली वगैरह भी मिलता है शायद आपके पास ना? क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं आप यहाँ पे? नारियल चटनी। अच्छा, ये कितने रुपए प्लेट है? ये 45 रुपए की है। और डोसा का क्या क्या प्राइस है वैसे? कितने से स्टार्ट हो जाता है? 60 से। और कब कितने तक है, सबसे हाई कितने का है? 80। ओके। ये देखिए यहाँ पे ऑयल लगा दिया। आप दोनों भाई हैं या फ्रेंड हो? भाई हैं। दोनों भाई मतलब यहाँ पे सुबह से शाम तक ही रहते, मतलब 2 बजे से? दोनों से बड़ा कौन है? अच्छा है, बड़े भाई हैं। 9 साल से यहीं पे लगा रहे हैं। ये आ गया भैया, क्या है ये बताते रहिए। ये आलू का पेड़ आ गया। ये प्रिपरेशन तो घर पे ही करके आ दूंगा ना वाली चीजें। ये देखिए आलू का आ गया यहाँ पे, मसालेदार। ये क्या रहता है, थोड़ा स्पाइसी रहता है क्या आलू? नॉर्मल रहता है। भैया आपका नाम क्या है? नीरज। ये देखिए आगे अनियन। ये क्या आया भैया? ये पनीर आ गया यहाँ पे। ये मटर भी आ गया यहाँ पे। अच्छा, कितने टोटल कितने आइटम होंगे आपके पास पूरे स्टॉल में? 7 आइटम। 7 आइटम है। क्या क्या है उसपे थोड़ा रफ बता दीजिए। पनीर डोसा है, अनियन डोसा, बटर मसाला डोसा, इडली है, सांभर वड़ा है, दाल वड़ा है, उत्पम है। कितने मिनट में रेडी हो जाता है वैसे? 5 मिनट। 5 मिनट में। ये सांभर खा रहे हैं। ये कैसा लग रहा है आपको ये? अच्छा है। काफी टाइम से खा रहे हैं, अभी आज फर्स्ट टाइम खा रहे हैं? फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लगा टेस्ट आपको? बहुत अच्छा है। क्या क्या ट्राई करा आपने? अभी तो इडली खाया। इडली खाया। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आई थिंक रेडी हो चुका है ना, बस कटिंग हो रही है अब मसाले डोसे की। इडली लगा रहे हैं, पूरा मिक्स करके देते हैं क्या? हाँ जी। डिप करके। क्या क्या ये क्या डाला? ये इडली है। इडली है और ये सांभर। ये सांभर है और इसके कोकोनट चटनी। ये कोकोनट चटनी आ गई और ये टमाटो चटनी। ये टमाटो चटनी भी आ गई। अच्छा, विदाउट? अच्छा ठीक है, ठीक।
या अनियन आ गया। डोसे के साथ क्या क्या आएगा? डोसे का कोकोनट चटनी, कोकोनट चटनी आ गई, टमाटो चटनी, हाँ टमाटो, सांभर। अच्छा सांभर भी आता है? अच्छा लो अभी। देखिए हमारी प्लेट हो चुकी है रेडी और देखिए इस पे आ चुकी है हमारी एक नारियल की चटनी और टमाटो की चटनी और ये आ गया अपना डोसा और साथ में हमें मिला है सांभर। चलिए फटाफट से टेस्ट करते हैं। मुंह पे तो पानी आ चुका है मेरे, रेडी हो चुका है गर्मा गर्म और आजकल विंटर के टाइम में इसको कौन मिस कर सकते हैं। फटाफट से टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा हो रहा है। योगी जी का ये डोसा, योगी जी का डोसा और योगी जी खा रहे हैं। ये नारियल चटनी का डिप करते हैं और दिन बैठा हाँ जवाब है। मैं तो रुकने से रहा, खाते रहो। सांभर की ग्रेवी देखो, पहले थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दूँ कैमरा मैन। ये देखो मेरी थिक ग्रेवी बनी है सांभर की, टेस्ट करते हैं। हमने जो है डोसा कंप्लीट कर लिया है तो योगी जी और नीरज जी से हम कह देते हैं अब यहाँ पे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीरज भाई, काफी अच्छा लगा आपका डोसा, बहुत अच्छा था। योगी जी काफी बिजी लग रहे हैं, कोई बात नहीं योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें टाइम दिया। नीरज भाई आपको भी चलिए पैक, देख पैक भी करा के ले जा रहे हैं, काफी अच्छा था, घर में जाके खाएंगे। ओके